इस तरह की एडिटिंग करने के लिए एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होता है जिसका नाम है पिक्सल। तो पिक्सल अगर आपके पास नहीं है तो पहले आप उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर या फिर क्रोम से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपको स्क्रीन पे जो एक बैकग्राउंड दिख रहा है इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से जाके डाउनलोड कर लेना। फिर पिक्सल ऐप को ओपन करके उधर इसको ऐड कर लीजिए। फिर नीचे स्क्रॉल करते एडवर्ट वाला का ऑप्शन इधर देखने को मिल जाता है, उस पर जाना होगा और ये वाला पीएनजी को इधर ऐड कर लेना है। तो इसका भी लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके डाउनलोड कर लेना। फिर इधर से कुछ इस तरह से साइज को कर लीजिए नीचे की तरफ, ठीक है। करने के बाद ये जो मतलब इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है इधर, ये वाला, इस पे चले जाना है। जाने के बाद इरेज वाला ऑप्शन पे जाके हार्डनेस को एकदम 1 पे सेट करना है और ऑपेसिटी को कम कर दीजिए 66 के आसपास और साइज को 36 के आसपास, ठीक है। फिर नीचे वाला पार्ट को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ इतना दूर तक कर लेने के बाद इधर से राइट ड्रॉप क्लिक कर देना है, फिर से राइट ड्रॉप और अभी जाना है इधर से ऐड फोटो के अंदर। उसके बाद गैलरी से आपका जो मॉडल रहेगा उसके अंदर ऐड करना है। तो आपके पास अगर खुद का मॉडल है तो आप उसे यूज़ कर लीजिए, या फिर नहीं तो मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उधर से जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से साइज को रखिए। रखने के बाद इधर नीचे स्क्रॉल करते इफेक्ट वाला का ऑप्शन इधर देखने को मिल जाएगा, उस पर जाना होगा। जाने के बाद इधर नीचे में जो ऑप्शन है इसमें से आपको कलर्स वाला सिलेक्ट करना है। तो मेरा पहले से इधर सिलेक्ट था, इसमें एक इफेक्ट है ब्लैक एंड व्हाइट, इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसका एडजस्ट पे जाके अमाउंट को एकदम 0 पे सेट कर देना है। फिर एडिट पे क्लिक कर देना है तो ये ब्लैक सा कुछ इस तरह सा इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से कुछ साइज को कर दीजिए इस तरह से, और इस तरह से सेट कर लेने के बाद इधर से एडिट पे क्लिक कर दीजिए और फिर से इधर से चले जाइए एड फोटो के अंदर। और गैलरी से मून का पीएनजी इधर ऐड करना है, तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, उधर से डाउनलोड कर लेना। फिर इस तरह से कुछ इधर रखना है और इरेज वाला ऑप्शन पे चले जाना है इधर से, ठीक है। इरेज वाला ऑप्शन पे जाके ये जो इरेज वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पे जाके हार्डनेस को 1 पे सेट करना है और ऑपोसिटी को कर देना है 46 और साइज को कर देना है 27 के आसपास, ठीक है। फिर इस साइड कुछ इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, रिस्टोर कर लेना है इधर से, ठीक है। कुछ दिनों तक कर लेने के बाद राइट पे क्लिक कर देना है, फिर से राइट पे। तो देख सकते हो फोटो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्त एडिटिंग हो गया। इसको एच डी में गैलरी के अंदर सेव करना है तो उसके लिए ड्रॉ टूल पे चले जाना है और इधर एक 3 डॉट देखने को मिल जाएगा, उस पर टैप करके एक सेव इमेज वाला ऑप्शन आएगा, उधर से सेव कर लेना है।